या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल 15 अक्टूबर से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। 23 अक्टूबर को महानवमी है और 24 अक्टूबर को दशहरा विजयादशमी। महानवमी और दशहरा के दिन हवन भी किया जाता है। हवन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि नवमी का शुभ मुहूर्त कौन सा है, हवन की विधि क्या है तथा हवन की सामग्री में किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो नवमी तिथि 22 अक्टूबर को शाम 7:58 पर शुरू हो चुकी है और 23 अक्टूबर को दोपहर 5:44 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी व्रत का पारण 24 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। नवरात्रि की नवमी तिथि पर इस साल सर्वार्थ सिद्धि व रवि योग का संयोग बन रहा है। नवमी के दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा, जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग 6:27 सुबह से लेकर 5:24 शाम तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों ही योगों का अत्यंत शुभ माना गया है। हवन की सामग्री में आइए जानते हैं कौन कौन चीज रहेगी। आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलैठी, अश्वगंधा की जड़, बहेड़ा का फल, हर्रे, घी, शक्कर, जौ, गुगल, लोबान, इलायची, गाय के गोबर से बने उपले, घी, नारियल, लाल कपड़ा, कलावा, सुपारी, पान बतासा, पूरी और खीर। ये जानते हैं हवन की सरल विधि। प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शास्त्रों के अनुसार हवन के समय पति पत्नी को साथ में बैठना चाहिए। किसी स्वच्छ स्थान पर हवन कुंड का निर्माण करें। हवन कुंड में आम के पेड़ की लकड़ी और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें। हवन कुंड में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कम से कम 108 बार आहुति जरूर देनी चाहिए। आप इससे अधिक आहुति भी दे सकते हैं। हवन के समाप्त होने के बाद आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। आप हवन के बाद कन्या पूजन भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं।